बुरहानपुर जिले के सिंधीपुरा आजाद नगर वार्ड में घर के पास ही एक मजार के पास के अंदर झाड़ियों में शव पड़ा मिला। किशोरी का शव मिलने की सूचना पर गणपति थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों की भीड़ को हटाकर शव की पहचान की गई। एसपी एएसपी सीएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय शुक्रवार शाम 6 बजे के बाद अपने घर से लापता हो गई थी। परिवार के लोगों ने आसपास तलाश करने के बाद देर रात थाने पहुंचकर रिपोर्ट की। शनिवार सुबह 8 बजे आसपास के लोगों ने किशोरी का मजार के पास के अंदर झाड़ियों में शव देखा। किशोरी के दोनों हाथ पैर बंधे होने के साथ ही शरीर पर चोट के निशान भी मिले। आजाद वार्ड में किशोरी का शव मिलने की सूचना पर गणपति थाने का बल मौके पर पहुंचा। घटनास्थल से लोगों की भीड़ को हटने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हत्या का केस दर्ज कर लिया है। आज एक सूचना मिली है तो इसमें आजाद नगर वार्ड में जो मजार है उसके अंदर एक लड़की की लाश मिली है जिसकी नाक जो है वो कटी हुई है। प्राइमा पेशी हाथ पैर बंधे हुए तो प्राइमा पेशी मर्डर लग रहा है। उसमें हम लोग अभी हत्या का मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। तो क्या गला रेता गया या फांसी है? वो पीएम रिपोर्ट आने के बाद में और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मगर प्राइमा पेशी जो है वो उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसकी नाक भी कटी हुई है। तो उसके आधार पर जो है वो प्राइमा हम लोग उनका मर्डर का मुकदमा कायम करके अग्रिम कार्यवाही। बुरहानपुर से शलीम शेख की रिपोर्ट।